क्वेश्चन नंबर 696 देखेंगे। पॉलक्ली का जन्म वर्ष, जो क्वेश्चन आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था यानी 8 क्लास 46 में पूछा गया था, पॉलक्ली का जन्म वर्ष है, तो आप सभी ने आंसर दिया, आप सभी लोगों का आंसर सही भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1879 ईस्वी। ठीक है, पॉलक्ली का जन्म 1879 ईस्वी में बर्न में हुआ था। तो याद रखेंगे पॉलक्ली एक अभिव्यंजनावादी कलाकार रहे हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस की आज की क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी दोस्त इस वीडियो को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 697। सभी प्रश्न आप सभी के यूथ कंपटीशन की जो बुक है नई वाली वहीं से लिए जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 697 देखेंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? एमएफ हुसैन की, सल्वाडोर डाली की, पाब्लो पिकासो की, वॉन गॉग की। सभी लोग आंसर जरूर देंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? फटाफट सभी लोग आंसर कर लें। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्वाडोर डाली। ठीक है, सल्वाडोर डाली, और ये यूरोप के अति यथार्थवादी कलाकारों में एक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस। ठीक है, तो ये किसकी आत्मकथा है? सल्वाडोर डाली की। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 698। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, रूस के। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों के द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 699 देखिएगा। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? पुस्तक और लेखक चैनल पे वीडियो दिया गया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, जेसार जॉन, विक्टर बासरली, कॉन्डेंस्की, अगस्ट मैके। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्डेंस्की। स्पिरिचुअल इन आर्ट जो है ये कॉन्डेंस्की की रचना है, और कॉन्डेंस्की को नीला घुड़सवार इनकी प्रसिद्ध कृति रही है। ठीक है, याद रखिएगा नीला घुड़सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 700 यानी 700 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। फ्रांक मार्क यानी कि फ्रांज मार्क, ठीक है, फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़ा था? दादावाद, सुपरमेटिज्म, नवप्रभाववाद या फिर अभिव्यंजनावाद? फ्रांज मार्क किस वाद से जुड़ा था? आंसर सभी लोग करते रहेंगे। देखिए आंसर करना सभी को बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को स्वयं से चेक कीजिए कि कितना आपने तैयार किया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइव सेशन ही लिया जाए, आपके अंदर भी ईमानदारी होनी चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 701। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरणकालीन कलाकारों के प्रश्नों में हमने 701 क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने प्रश्न आपके करा दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी दोस्त अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं वो चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन पिकासो, सल्वाडोर डाली, कॉन्डेंस्की, जॉन मीरो। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कॉन्डेंस्की। ठीक है, ब्लू राइडर यानी कि नीला घुड़सवार। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 702 देखेंगे। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 703 देखिएगा। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्रॉक, फ्रेंजमार्क, शेगाल, सेजा। ब्लू राइडर ग्रुप जो है ये किसने चित्रित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंजमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 704 देखेंगे, फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज, फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताना है यहाँ पर, लुडविक क्रिखनर, एडवर्ड मोंक, एरिक हैकल, वेस्ली कैंडिंस्की। फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज जो है ये किस चित्रकार ने बनाई है, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी एडवर्ड मोंक के द्वारा बनाई गई है फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज। ठीक है, एडवर्ड मोंक के द्वारा बनाई गई है और साथ ही एडवर्ड मोंक के जो प्रमुख चित्र हैं उसके अंतर्गत है द स्क्रीन। ठीक है, द स्क्रीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, द स्प्रिंग, द किस, मैन एंड वुमेन, फ्रीज ऑफ लाइफ, द डांस ऑफ लाइफ, सेल्फ पोर्ट्रेट। ठीक है, ये सभी किसका है, एडवर्ड मोंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 705 है, उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। ऑप्शंस देखेंगे फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन डी जर्मनी। अभिव्यक्तिवाद या फिर अभिव्यंजनावाद, ये जो कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ जर्मनी में हुआ, और अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार कौन रहे हैं, तो याद रखेंगे एडवर्ड मोंक। ठीक है, एडवर्ड मोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 706 देखेंगे, नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। रेम्ब्रा, मैक्स बेकमैन, मिथियस यानी मैथियस ग्रुनवाल्ड, फ्रांसिस्को क्लेमेंट। इसमें से आपको सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी की पहचान करनी है, तो ऑप्शन देखेंगे और आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 706 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स बेकमैन। मैक्स बेकमैन जो है ये जर्मन अभिव्यक्तिवादी चित्रकार है और इनका जन्म 1884 में हुआ था। बेकमैन के जो फेमस चित्र हैं तो याद रखेंगे लिथोग्राफी मालिकम बनी, शहरी रातें, सर्कस कारवां, कसरत, पर्सियस त्रिपट, ओडिसियस। ठीक है, ये सभी किसके हैं, मैक्स बेकमैन के हैं। गोथिक कला बेकमैन को बहुत प्रिय थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 708, द स्क्रीम, द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश द्वारा चित्रित किया गया है, एडवर्ड मोंक, मैक्स बेकमैन, ओस्कर कोकोस का, अगस्त मैके। द स्क्रीम किसके द्वारा चित्रित किया गया है, तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड मोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 709 देखेंगे, अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डैश का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। दार्शनिक प्रभाव, प्रकृतिवादी प्रभाव, भावनात्मक अनुभव, काव्यात्मक अनुभव। राइट आंसर ऑप्शन सी भावनात्मक अनुभव। ठीक है, अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय भावनात्मक अनुभव का अर्थ व्यक्त करने की मांग की है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 710 है, एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था, रेड हॉर्सेज, द स्क्रीम, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट, ए स्टार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द स्क्रीम। द स्क्रीम जो है ये एडवर्ड मोंक के द्वारा चित्रित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द स्क्रीम। प्रथम संस्करण जो है वर्ष 1893 ईस्वी का कार्डबोर्ड पर पेस्टल नेशनल गैलरी ओस्लो, ठीक है, वर्ष 1893 ईस्वी का ही कार्डबोर्ड पर टेम्परा तेल तथा पेस्टल नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में है, और जो इनका द्वितीय संस्करण है ये वर्ष 1895 ईस्वी का लिथोग्राफी चित्र है जो कि नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में है। तृतीय संस्करण जो इनका है वर्ष 1895 ईस्वी का कार्डबोर्ड पर पेस्टल, इसे सुथबी के नीलामी में $120 मिलियन में बेचा गया था। वर्तमान में यह लियोन ब्लैक के निजी संग्रह में सुरक्षित है। और चतुर्थ संस्करण जो है वर्ष 1910 ईस्वी का कार्डबोर्ड पर टेम्परा है, वर्ष 2004 ईस्वी में मुंक संग्रहालय से इस पेंटिंग की चोरी हो गई थी, वर्ष 2006 ईस्वी में इसे बरामद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 711 देखिएगा, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताना है, एगॉन सिली, हेनरी मातिस, फ्रांस मार्क, क्लॉड मोने।
द ब्लू राइडर्स समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांज मार्क। फ्रांज मार्क के जो फेमस चित्र है, नीले घोड़ों की मीनार, जानवरों के भविष्य, जंगल में हिरन, ये सभी किसके चित्र है? तो याद रखिएगा फ्रांज मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 712 देखेंगे। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी, विकृत और अतिरंजित विषय, ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग, या फिर उपरोक्त सभी। तो अभिव्यक्तिवादी कला की जो विशिष्ट विशेषता थी वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कला जो वास्तविकता की बजाय भावना व्यक्त करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 713 है, जर्मन पत्रिका दास टॉम में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? फ्रांज मार्क, मैक्स बेकमैन, एडवर्ड मंच, ओस्कर कोकोस्का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओस्कर कोकोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 714, किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य भी था? फ्रांज मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बेकमैन, ओस्कर कोकोस्का। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांज मार्क। फ्रांज मार्क ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य भी था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 715 है, ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? फ्रांज मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बेकमैन, ओस्कर कोकोस्का। सभी क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए हैं और टीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त मैके। अगस्त मैके ने चित्रित किया था लेडी इन अ ग्रीन जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 716, ध्यान देंगे, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश और डैश की कृतियों से रखी गई, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। ऑप्शन देखिए, पॉल सेंजा और जॉर्ज सूरा। ऑप्शन बी है एमिल नोल्डे और ओटो मुल्लेर। ऑप्शन सी है विंसेंट वान गॉग और एडवर्ड मंच। ऑप्शन डी है ओस्कर कोकोस्का और एगोन सिली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंसेंट वान गॉग और एडवर्ड मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 717, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? ऑप्शन फ्रांसिस बेकन, पॉल क्ली, वेस्ली कॉन्डिंस्की, जॉर्ज रुआ। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, तो ये किसने कहा है? पॉल क्ली के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 718, कलाकृति है ब्लू सर्कस, ये किसने चित्रित की है? जॉन मीरो ने, पाब्लो पिकासो ने, हेनरी मातिस ने, मार्क शागल ने। ब्लू सर्कस किसने चित्रित की है? तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी, मार्क शागल के द्वारा चित्रित किया गया है ब्लू सर्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 719 है, प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? दादावाद, अभिव्यंजनावाद, फोटोग्राफी, नॉन साइट स्पेसिफिक आर्ट। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, प्रस्तुतिकरण जो है ये अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपके दादावाद या अति यथार्थवाद के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? सल्वाडोर डाली, पिकासो, वान गॉग, गोगवा। आंसर सभी लोग करेंगे, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार कौन रहे हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली जो हैं ये अति यथार्थवादी कलाकार हैं और इनके विषय में पाश्चात्य कला की प्लेलिस्ट पहले भी दी गई है चैनल पे, आप देखेंगे तो सभी कलाकारों के विषय में बताया गया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रश्न वहाँ पर बताए गए हैं। सल्वाडोर डाली का जन्म जो हुआ था 1904 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है 721, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? सल्वाडोर डाली, आंद्रे बेतो, मैक्स एंसर्ट, हॉर्न मीरो। ठीक है, हॉर्न मीरो, जॉन मीरो, कहीं कहीं आपको जॉन मीरो देखने को मिलता है। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, आंद्रे बेतो। ठीक है, सन 1924 ईस्वी में आंद्रे बेतो ने अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ये क्वेश्चन आपके टीजीटी 2021 में, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टाजारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रिडा कहलो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिस्टाजारा। दादावाद में दादा शब्द ट्रिस्टाजारा ने 6 फरवरी 1916 में प्रयोग किया और दादावाद का जन्म जो हुआ 1916 में ज्यूरिख के कावारे वोल्टेर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रिडा कहलो जो हैं ये एक मैक्सिकन कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 723, किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? फाववादी, अतियथार्थवादी, घनवादी, उत्तर प्रभाववादी। जैसा कि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आज के वीडियो का क्वेश्चन रहा किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है। आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।